खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र की ब्रजविहार कॉलोनी में नहाते समय एक महिला को करंट लग गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं घटना को लेकर महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाकर प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। हम आपको बता दें कि महिला का पति बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर है। महिला बाथरूम में नहाने पहुंची, जहां उसे करंट लग गया। इस दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति आए दिन प्रताड़ित करता है और आज बाथरूम में करंट छोड़ दिया। फिलहाल महिला ने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की, जबकि पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। को जो है बहुत मारता, 8 दिन पहले बहुत मारा था, तो उसको मार मार के बाथरूम में फेंक दिया था। लड़की को होश आई, बाथरूम खोल के बाहर आई थी, फिर उन्होंने हॉस्पिटल में गए थे। तो मेरे को बोलता वो कि हाथ पैर तेरे लड़की का तोड़ दिया, तू देखने के लिए जल्दी आओ करके बोला था। अभी क्या घटना हुई थी आज? अभी आज नहारी 5 बजे तो उसको करंटे छोड़ दिया, तो बाथरूम के ऊपर चढ़ गए, फिर चिल्लाई वो। किराएदार ने दौड़ के आया तो उसने बाथरूम ने खोले। ठीक है, पहले भी मारपीट होती थी? हाँ, पहले भी बहुत मारता था, कई बार ऐसी हो चुकी है हरकत। अब क्या चाहते हैं आप? हम रिपोर्ट करना चाहते हैं। शादी कब हुई थी? शादी 13। पति मारपीट कर रहा हूँ, मैं ब्रजविहार कॉलोनी में रहती हूँ। नेहा डावर, पति मुकेश डावर, झिरनिया में जॉब करता है और बार बार मारने की धमकी देता है। आज सुबह भी बहुत मारा है उसने, और सुबह नहा रही थी 5:30 बजे, तो बाथरूम में करंट लगा दिया उसने। फिर मैंने चीखी और चिल्लाई, फिर कम्बा में लेट बाथरूम में उसके ऊपर चढ़ के मैंने किराएदार को चिल्लाई, फिर उसने उठ के ने फिर करंट छोड़ा। कारण क्या है, क्यों पता नहीं क्यों इतना मार रहा है। 29 तारीख को भी चुनाव में ड्यूटी थी उसकी, तो 29 तारीख को उसके पापा आया था, स्कूटी ले गया मेरे से मंगके, तो दरवाजा खोला आके बोले गाड़ी कहाँ गई, बोले तो मैंने बोली कि तुम्हारे पापा ले गया। इतने बोलते बोलते वो बाल पकड़ के ने बहुत मारा मेरे को, मार मार के ने फिर बाथरूम में ले जाके तब भी 29 तारीख को बंद कर दिया बाथरूम में, फिर पानी छोड़ दिया ऊपर से नल। फिर 1 तारीख को भी बहुत मारा उन्होंने, 1 तारीख को भी मारा मारा, फिर बाद में सिर के ऊपर टाके आए, विराज हॉस्पिटल में ले गया था, फिर 4 टाके आए, पता नहीं मैं तो बेहोश थी, उसने क्या बोला क्या नहीं। फिर बाद में मुझे होश आया तो पूछ रहे थे डॉक्टर वगैरह, तो मैंने भी फिर वही जवाब दी कि मैं गिर गई थी। उन्होंने पहले लिखवा दिया था कि ये सीढ़ियों से गिर गई, पर आज भी वही हरकत करा उन्होंने सुबह से। अब क्या चाहते हैं आप पति के खिलाफ? कार्रवाई करवाना चाहती हूँ उसके खिलाफ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। कल उठ के मेरे को मार देगा तो मेरे पीछे कौन कार्रवाई करेगा? वो तो बोलता है मेरे पास पैसे है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज तो मैं जिंदी हूँ, कल उठ के मर गए तो कौन मेरा वो करेगा? अभी कहाँ पर पदस्थ हैं? अभी तो ब्रजविहार कॉलोनी में रहती हूँ। इनकी नौकरी कहाँ पर? सर्विस कहाँ पर? झिरनिया में। हाँ जी, ये मामला अभी संज्ञान में आया हुआ है, और जिस तरह के आरोप उस महिला ने, उनका नाम नेहा है, लगाए हैं, उनके पति का नाम मुकेश है, डावर हैं, ब्रजविहार कॉलोनी खरगोन के निवासी हैं, उपचार रहते हैं, तो इस पर संज्ञान में जो लाया गया है। तहरीर जब थाने में पहुंचेगी इसकी, तो उस पर जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है उन सभी संभव धाराओं पर कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।